नगर निगम के सदन भवन में महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में वृद्धा, विधवा व दिव्यांग पेंशन को लेकर अधिकारियों और पार्षदों के साथ बैठक किया गया, जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि लोगों का विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन तथा अभी तक जिन लोगों ने KYC नहीं करवाया, इसी संबंध में पार्षद व विभाग के अधिकारियों के साथ यह बैठक की गई है और पार्षदों को हिदायत दिया गया है कि अपने वार्ड में ऐसे लोगों को सूचित करें कि बिना KYC के आप पात्र नहीं होंगे, कृपया अपना KYC करा लें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को सूचित किया गया है कि सभी वार्डों में ऐसे लोगों को एक लिस्ट जारी करें और पार्षदों के सहयोग से ऐसे लोगों का KYC कराया जाए। KYC होने के बाद लाभार्थी का पैसा समाज कल्याण विभाग की तरफ से उनके खाते में चला जाएगा। इस बैठक के दौरान जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह, जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी संदीप मौर्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास वेद प्रकाश मिश्रा, उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, अपर नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मृत्युंजय पार्षद रणजय सिंह जुगनू सहित अन्य पार्षद एवं अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, जो 2500 थी पहले वो 3000, 3000 पर मंथ और 9000। अच्छा, उसमें क्या क्या वो आता है? कुष्ठ के लिए बहुत मतलब दांत का कुष्ठाधिकारी, जिला कुष्ठाधिकारी है, कुष्ठ नहीं कुष्ठ प्रमाणित उसका प्रमाण पत्र कहाँ से होगा? जिला कुष्ठाधिकारी सीएमओ स्तर से ही होता है, उसका भाग से आया है। गोरखपुर नगर निगम में वशिष्ठ नारायण सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं संदीप कुमार जी, जिला दिव्यांग शक्तिकरण अधिकारी, और वेद प्रकाश सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास, ये हमारे समाज कल्याण विभाग से 3 अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम लोगों ने जो लोगों का विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, अभी तक जिन लोगों ने KYC नहीं कराया है, उसके लिए मीटिंग बुलाई गई है। जितने भी हमारे वार्ड हैं उनके पार्षदों को भी बुलाया गया है और कहा गया है कि बिना KYC का आप लोगों को पात्र नहीं माना जाएगा, आप लोग KYC करा लीजिए, या KYC कराने के बाद ही उनके खाते में पेंशन जाएगा। यह सरकार ने नीति बनाई है, इसलिए बनाई गई है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फर्जी ढंग से इसको बनवा लेते हैं, उस पर नियंत्रण हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ऐसे लोगों को मिल सके, इसके लिए एक रणनीति बनाई गई है। हम लोगों ने यहाँ अधिकारियों से मांगा है कि किस वार्ड में कितने लोग KYC नहीं कराए हैं, उसकी एक सूची उपलब्ध कराएं। हमारे जो अधिकारी आए हैं वो सूची उपलब्ध करा रहे हैं और पार्षदों की सहयोग से KYC उनका कराया जाएगा और KYC करा करके उनके खाते में पैसा समाज कल्याण विभाग की तरफ से चला जाएगा, इसीलिए यह कार्यक्रम बुलाया गया है। इसमें हमारे संजय शुक्ला जी, हमारे अधिकारी और हमारे क्या नाम है मृत्युंजय जी, ये लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, और ये तीनों अधिकारी जिसका नाम मैंने अभी बताया, ये लोग भी उपस्थित हैं और इस पर लिस्ट देंगे और पार्षद मोटिवेट करके KYC कराएगा।